और हमारे अपने गांव वाले, तो
आपकी गवर्नमेंट का आपका स्वागत किया करेंगे। पर माननीय अतिथि गण का स्वागत करते हैं। सर एंड मैडम थैंक्स आने के लिए। विलेज में इतनी मुश्किल से आप लोगों को अंदाजा नहीं है, जजेस को यहाँ आने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा था। बट धन्यवाद करती हूँ आप सबकी तरफ से, जजेस अपना इतना कीमती समय निकाल के आप लोग आए और इतनी गर्मी में, आदत नहीं है आप लोगों के इस माहौल में बैठने की, पर इतनी गर्मी में सबके साथ बैठे हैं और आप सबको गाइड करेंगे। मैं आपको केवल मकसद बता देती हूँ इस वर्कशॉप का कि एक हमने संस्था शुरू करी जो कि नागरिकों से मिलके बनी, मतलब कुछ वकील, कुछ स्टूडेंट्स मिले, कुछ टीचर्स, पॉलिटिशियंस, कुछ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, डॉक्टर्स, सबने मिलके एक ग्रुप बनाया। मकसद हमारा ये था कि हम लोग समाज को जागरूक करने का काम करें। महिला सशक्तिकरण में बात बहुत होती है, पर क्या केवल महिला को जागरूक करना, उसको पढ़ा लिखा देना, उसको उसके अधिकार समझा देने से हम उस समाज को जिसकी हम परिकल्पना करते हैं प्राप्त कर सकते हैं क्या, जहां पर कि किसी महिला को अपने बराबरी के हक को पाने के लिए लड़ाई ना करनी पड़े। जब जब एक महिला अपने अधिकार की बात करे, उसको परिवार को तोड़ने वाली बात ना समझा जाए, उसको ये ना समझा जाए अच्छा इन्होंने भी लड़ाई शुरू कर दी। एक ये भी हो गया है लड़की पढ़ लिख जाएगी तो बड़ी दिक्कत आने वाली है, ये भी मानसिकता बदलने की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई कानून के तौर पे संविधान ने हम सबको अधिकार बराबरी का दिया है, पढ़ाई लिखाई का दिया है, अपनी चॉइस का, अपनी इच्छा से अपने काम करने का, मैं चाहे घर पे रह के घर का काम करूं, घर से बाहर निकल के नौकरी करूं, मैं टीचर बनूं, मैं वकील बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, वो मैं एक महिला भी हो सकती है और वो मैं एक पुरुष भी हो सकता है। दिक्कत केवल तब आती है जब मैं वो महिला होती है और मैं वो पुरुष उसको रोकता है। तो हम जब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वी द वुमेन ऑफ इंडिया, इसका हिंदी में मतलब है हम भारत की महिलाएं। मैं अगर महिलाओं को जगह नारी बोल दूं, और इंग्लिश में मैंने देखा यहाँ के सर बच्चे लोग बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे बच्चे भी है यहाँ पर, ग्रोन अप है काफी। वुमेन की स्पेलिंग होती है WOMEN, उसके अंदर MEN आ जाता है, मतलब हर विमेन में मैन है, वुमेन में WOMEN में MEN है, हर शी में SHE में टी है, और साथ ही नारी में नर है। केवल मात्राएं हटाने की जरूरत है। इसका मतलब जब जब हम बोलेंगे वी द वुमेन ऑफ इंडिया या हम भारत की महिलाएं, हम बोल रहे हम भारत का समाज। जब जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम बात करते हैं सशक्त समाज की। सशक्त समाज एक अच्छे व्हीकल की तरह होता है, गाड़ी की तरह होता है। सामने इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, मैं एक पहिया साइकिल का लगा दूं, एक स्कूटर का लगा दूं, गाड़ी नहीं चलेगी ना। तो उस सशक्त समाज के लिए जरूरी है पर दोनों पहिए बराबर रहे, और दोनों पहियों का मतलब है पुरुष और महिला बराबर का अधिकार मिले। दिक्कत है आप ऐसा महिला अधिकार मांगने मत जाइए, और पुरुष आप ये मत सोचिए कि आप देने वाले हैं, ना कोई मांगेगा ना कोई देगा। अगर मुझे इंग्लिश में बोलना हो तो नोबडी वुड बी द प्रोवाइडर एंड नोबडी वुड बी द रिसीवर। बात बराबरी की करते हैं, बराबरी से खुद को भी पेश करिए। और इसीलिए वर्कशॉप करने का सोचा, काफी सारे अपराध होते थे महिलाओं के अगेंस्ट, और हम ये सोचते रहते थे पढ़े लिखे लोग होने के नाते भी, वकील होने के नाते भी, कि आपके पास आए दिन इस तरह के हादसे आते हैं। आप सबने सुना होगा रेप केसेस बहुत बहुत नॉर्मल है, मैं फिगर्स देना शुरू करोगे तो अलार्मिंग है। घरेलू हिंसा है, ऑफिस में है, सड़क पे है, यहाँ पर है। अभी भी देखिए यहाँ पर ज्यादातर गाँव से महिलाएं आई है, पुरुष नहीं आए। तो ये मान लिया जाता है कि पुरुष महिलाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, बट ज्यादातर जजेस पुरुष हैं और वो सब सारे जजेस पुरुष हैं राजा,
तो दे विल बी टॉकिंग, वो लोग आपके बारे में बात करेंगे। इस वर्कशॉप का मकसद ये है, हम लोग कुछ लोग मिलकर जैसे ये वाली वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं वी द विमेन ऑफ इंडिया राका पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके कर्ता धर्ता जस्टिस राका है आपके साथ बैठे हैं, और मणिपाल यूनिवर्सिटी ने इस बार कोलेबरेट किया है, अगली बार शायद बीआरडी कॉलेज भी करेगा। हम हर बार सर किसी एक विलेज को अडॉप्ट करेंगे, दो दिन इस किस्म की वर्कशॉप करेंगे, उसके बाद हम फोर्टनाइटली हर 15 दिन में हम लोग यहाँ आते रहेंगे, आप लोगों से हर बार बातचीत करेंगे, आप लोग भी धीरे धीरे हमसे खुलिएगा, बात करिएगा, आपकी समस्याओं पे डिस्कस करिए। कई बार होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एजुकेशन लेनी है, आपको वो नहीं मिल रही है, कोई महिला है पढ़ी लिखी नहीं है पर काम करना चाहती है, घर रहकर रोजगार करना चाहती है, पर आप ही को समझना भी बहुत जरूरी है। ये समझना जब आप दो जने बैठे और आपको पता हो मैं इनसे कमतर नहीं हूँ, क्योंकि आपका संविधान तो आपको कमतर नहीं बना रहा, बात है कि हम आपको बराबरी में कमतर समझ रहे हैं, जब वो करेंगे तो शायद हम 15 दिन में हर बार आते रहेंगे, बातचीत करेंगे, आपकी समस्या डिस्कस करेंगे, आप लोग उसे बुलवाएंगे। धीरे 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 हम ये चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य है सबका मिलकर कि हम आपको अगर कम्प्लीट ही आइडियल एक आदर्श गांव ना बनाए तो कम से कम आदर्श गांव के करीब ही आए, जहाँ पर शायद आपका हर व्यक्ति ये बोले देखिए मैं भेदभाव नहीं करता हूँ और मैं भेदभाव नहीं करती हूँ। उस जगह तक लाने तक हम आपके संग लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। सर इरादा ये कि वी हैव मेंबर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, तो हम अलग अलग स्टेट्स में जाके करेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में करेंगे और हम लोग अडॉप्ट करते जाएंगे विलेजेस को, साथ में हम इनको वॉलेंटियर्स रेडी करेंगे यहाँ से विलेज से ही, वो सारे विलेजेस हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाएंगे वॉलेंटियर्स, उनको हम सर्टिफिकेट देंगे 6 मंथ्स का ये पूरा कोर्स खत्म होते ही, जिसमें आप फिर आगे जाकर चेन रिएक्शन शुरू करेंगे और आगे के विलेज में लेके जाएंगे, और वो वॉलंटियर्स यहाँ पर भी करते रहेंगे, हम लोग भी फिर आके मिलते रहेंगे, साथ मिलके काम करते हैं और देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे। प्रयास करना तो जरूरी है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साथ प्रयास करेंगे। चलिए मैं और समय नहीं लूंगी, बाकी जजेस आपसे बात करेंगे, धन्यवाद। Yes, my dear friend, absolutely, I'm going to introduce myself.
देखते हैं इनका नाट्य कार्यक्रम जोरदार चले। Thank you.
राजस्थान हाईकोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मेरे मित्र और ऑनरेबल जज जस्टिस अशोक रॉय, सीनियर जज राजस्थान हाईकोर्ट, और हमारे सबसे वरिष्ठ बड़े भाई अंकल जस्टिस एस के केशोर साहब, भूतपूर्व न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट इलाहाबाद और गुजरात, और हम आदरणीय भाभी जी मिसेस केशोर, डॉक्टर शोभा गुप्ता जी, अनुराधा जी, डॉक्टर सोनी एंड टीम मणिपाल, ज्ञानी से प्रोफेसर एंड अदर फैकल्टीज, यहाँ की डावर की हाली के मेरे प्यारे बच्चों, माताओं और बहनों एंड स्टूडेंट्स ऑफ ज्ञानी एंड मणिपाल लोकल, कहाँ से शुरू करो समझ नहीं आ रहा। गाँव की पैदाइश है, मेरा भी एक छोटा सा गाँव में पैदा हुआ था, ननिहाल सोजत रोड है, तो बहुत प्रसिद्ध मेहंदी के मामले में, और एक दो मामले और हैं जहाँ पर मैं जाता रहता हूँ, साल में बार कोशिश करता हूँ ननिहाल जाऊँ। वहाँ के वातावरण में जब जाता हूँ तो अपने आप ही खो जाता हूँ बचपन की यादों में। अभी चार महीने पहले भी गया था, वहाँ आज भी माहौल ऐसा ही है कि सब लोग आपस में बैठते हैं, और वहाँ अभी भी पानी जो निकलता है कुएं से वो अभी भी बैल के सहारे से चलता है, जैसे इतनी सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, बट मेरे मामा जी अभी भी प्रिफर करते हैं कि बैल घूमे और वो चरखा चलता है, उससे पानी निकलता है। तो वहाँ की महिलाओं से कुछ चर्चा करी मैंने, तो ठीक है, जैसा माहौल गाँव में है उनको देश समाज किसी से कोई मतलब नहीं, उनको राज्य में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, उनको कुछ मतलब नहीं, कुछ पता भी नहीं। मैंने बहुत समय से चर्चा भी की, मणिपाल में मूलकोर्ट भी होते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ ही मूलकोर्ट हमारा चलता है, तो मैंने कोशिश की कि इसी तरह यूनिवर्सिटी से इन्वॉल्वमेंट होकर किसी विलेज को अडॉप्ट किया जाए, वहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, वहाँ के बच्चों को गाइडेंस दी जाए ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके। उसी कड़ी में भाई अशोक गौड़ साहब के ध्यान है, 40 साल हो गए होंगे, ये भी छोटे से गांव से हैं, किशनगढ़ वास, पता नहीं कैसे हमारा वहाँ जाना हुआ अलवर के आगे, और उनसे मुलाकात हुई वहाँ पर, और उस टाइम से हमारी जान पहचान और दोस्ती रही। उसी विविध बैकग्राउंड से आप भी हैं, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि भाई माहौल तो ऐसा है जैसे वहाँ पर सुविधाएं तो नहीं होगी, बट आपको अच्छा लगेगा, गांव वालों को अच्छा लगेगा कि हमारे यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े लोग आए हैं, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा, उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया नहीं मैं जरूर आऊँगा। और इसी तरह जस्टिस श्रीवास्तव साहब से प्रोग्राम कोई 3-4 दिन में ही बना है, 5 दिन में, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो श्रीवास्तव साहब को रिक्वेस्ट की ऐसी कैजुअली व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, मेरे डीजी एक्सेप्टेड भी नहीं मिले, एक्सेप्ट आपने जल्दीबाजी इसलिए की कि मंडे से कोर्ट खुल रहे हैं, और फिर इतने बिजी, वैसे भी ये
सभी लोग इतने बिजी हैं, मैंने कहा आगे बिजी हो जाएंगे, इनको रिक्वेस्ट करने का, इनको यहाँ लाने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा अभी वेकेशन चल रही है तो एक अपॉर्चून टाइम था इनको यहाँ पे लाने का। चर्चा जब इस तरह के आयोजन की हुई तो शोभा जी, अभी एक चार पांच महीने पहले हमारा एक जयपुर लॉ फेस्टिवल हमने किया था, उसमें शी वॉज ए कीनोट स्पीकर एक महिलाओं का सेशन में। वैसी चर्चा की तो मुझे लगा कि शी इज अ परफेक्ट लेडी एंड बीइंग अ सीनियर एडवोकेट, इनकी बातें जब मैंने की तो लगा कि वी कैन डू समथिंग इन विलेज, ताकि यहाँ की महिलाएँ को इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इनके राइट्स के बारे में बताया जाए। उसी कड़ी में मणिपाल यूनिवर्सिटी से बात हुई। मणिपाल यूनिवर्सिटी वैसे ही एक तरह से मेरे घर की यूनिवर्सिटी मान लीजिए, क्योंकि 8-9 सालों से हमारा मूल कोर कॉम्पिटिशन और कई आयोजन साथ साथ हमारे ट्रस्ट पे होते रहते हैं, तो कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और आज हम यहाँ पर हैं। सुख सुविधाएं तो सर्टेनली नहीं है, मौसम भी गर्म है, लेकिन एक शुरुआत हमने कोशिश की शोभा जी की, प्लीज अ वुमेन ऑफ इंडिया के माध्यम से, कि हम चाहेंगे, विचार यही है कि एक गांव को इतना सशक्त कर दें, यहाँ की महिलाओं को पूरी जानकारी दे दें उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या है, बच्चों को जो ऑलरेडी काफ़ी होनहार है, इनहेरेंट टैलेंट सब बच्चों में आपने देख ही लिया, उस महिला बहन ने कितना अच्छा बोला सबके सामने। यस जी, ये बोलने से तो चाहिए हमको। मैं सुबह आया तो यहाँ के बच्चे जो जिन्होंने प्ले किया और मणिपाल के बच्चे यहाँ खड़े थे, तो मैं दोनों में डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाया कि मणिपाल के बच्चे हैं या इस धरणी के बच्चे हैं। मैं यही कोशिश मेरी है और यही चाहूँगा, ये जो इतना बड़ा गैप हो गया वाइट, वो ब्रिज होना चाहिए। यहाँ के बच्चे भी ऐसे ही इंस्टीट्यूशन में जाएं जहाँ मणिपाल के बच्चे अच्छे अच्छे फैमिलीज के हैं, वो भी वहाँ जाकर पढ़े। हमारा एंडीवर यही है साथ जोड़ने का, कि हम यहाँ के हर फोर्टनाइट आकर यहाँ के बच्चों को, यहाँ की महिलाओं को जैसे इनके समय के अनुसार गाइड करें कि आपकी ये राइट्स हैं, ये सब है। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इतने सारे जजमेंट्स हैं हर चीज़ के ऊपर, हर इशू पे, चाहे एनवायरनमेंट कह लीजिए, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड कह लीजिए, चाहे मेडिकल से रिलेटेड कह लीजिए, इतने सारे राइट्स उन जजमेंट से आपको मिलते हैं। और एक कंसल्टेट करने वाली बात है, यहाँ के स्टूडेंट्स, मणिपाल के सुनील मैडम के माध्यम से कहना चाहूँगा और शोभा जी की टीम को भी, कि ऐसे जजमेंट जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इतने ट्रिमेंडस डायरेक्शंस दिए गए हैं कोर्टों के द्वारा और वो बाइंडिंग है सरकार पर, तो उनके बारे में जानकारी पब्लिक तक लेके आए कि ये जजमेंट्स हर क्षेत्र में, हर इशू में मिले हुए हैं। तो इस तरह से हम अगर ये जानकारी भी पब्लिक तक लाएंगे कि ये जजमेंट्स इस इशू पे ऑलरेडी है, तो निश्चित रूप से अच्छी बात हम आगे तक पहुंचा सकेंगे। यहाँ पर सीनियर जजेस हैं, उनको आपको रूबरू होने का मौका अभी मिल रहा है, उनकी बातें सुने, उनसे ग्रहण करें और मेरे ट्रस्ट के माध्यम से जो भी कुछ बन पड़ेगा मैं सर्टेनली करूँगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मैं दो तीन शिक्षा संस्थाओं से मैनेजिंग कमेटी में हूँ, तो किसी भी तरह के सुबोध शिक्षा समिति में आज हमारे करीब करीब 35,000 बच्चे हैं, बच्चे बच्चियाँ वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं एक साल के अंदर। यहाँ के बच्चे जो भी बच्चियाँ जो भी चाहें उनको या तो स्कूल से लेवल ले से लेकर
कॉलेज लेवल तक एमकॉम एमएड बीएड सब कुछ वहाँ पर है। अगर किसी को एडमिशन में, किसी को फीस रिडक्शन में, किसी भी तरह की कोई भी सहायता लेना चाहें तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और मैं चाहूँगा कि यहाँ की बच्चियाँ और बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ें, माध्यम से पढ़ें कि आने वाले समय में एक संदेश जाए कि हाँ यहाँ के बच्चे हाँ इतना दूर इस डाबर की घाटी में आने का जो आपने एक्सेप्ट किया उसके लिए बहुत बहुत मैं ट्रस्ट की तरफ से अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सी चीज़ें लेकिन रहेंगी बट प्लीज़ इग्नोर उन चीज़ों का आप छोड़िए। एन्जॉय द विलेज एटमोसफियर एंड बी हैप्पी। थैंक यू और आप सभी आए उसके लिए ट्रस्ट के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जय। वो हिंदी में भी है, तीन चार बुक्स में यहाँ पर आज छोड़ के जाऊँगा। आप जैसे जैसे उनको पढ़िएगा आपको सारे महिलाओं से रिलेटेड जो भी लॉ है, कानून है, इसमें वर्णित है और ये तीन साल दो साल पुराने तक अपडेट किया हुआ है तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में है तो आपके लिए भी मैं दो तीन कॉपी चार कॉपी लाया हूँ, बाकी धीरे धीरे जैसे होगा आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। हिंदी की बुक्स हमारी ट्रस्ट ने, मेरे पिताश्री ने बहुत सारी पब्लिश की हुई हैं, वो धीरे धीरे मैं यहाँ पर जब भी नेक्स्ट विजिट पर आऊँगा तब लेके आऊँगा। ये तीन बुक्स मैं आज यहाँ पर छोड़ रहा हूँ तो आपको सरपंच साहब को यह है अगर यहाँ स्कूल में एक कॉपी रहे तो जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ें आपकी और उसके बारे में सीखें कि हमारे क्या क्या चीज़ें आपको संविधान प्रोवाइड करता है। एक इंग्लिश में है पर ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ के बच्चे भी काफ़ी मैंने देखा कि इंग्लिश भी समझने वाले काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे बोलने वाले भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उच्च न्यायालय में बतौर न्यायाधीश कार्यरत रह चुके हैं। वर्तमान में माननीय महोदय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। मैं सबसे पहले रंका साहब को मेरी बहन शोभा का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इसी निवास पर लेकर गया। काफ़ी दिन से मेरी इच्छा भी थी कि कुछ मिलने का सौभाग्य मिलेगा किसी ने कहा। दूसरा, मैं मंच के समीप बैठे डिग्निटी से परमिशन चाहूँगा कि मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, ऐसा माहौल मिलता है और गांव वाले हैं तो मैं अपनी भाषा में से बात करना चाहूँगा अगर आप सबने परमिशन। मन के बैठे सभी डिग्निटीज को मैं सलाम करता हूँ। सभी बच्चे फैकल्टी सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो अब आप बात करना अपनी भाषा में समझ वो मैंने बोले सर आप टाइगर ट्रस्ट के प्रोग्राम के अनुभव में शोभा जी के प्रोग्राम के अनुभव में कई मन से पिगर मन से आवाज कोई मुझे तो बोल जाए तो हिंदी बोल जाते हैं समझ में आग रहा ताली में बजानी पड़े। मैं शुद्ध मारवाड़ी भाषा में बात करूंगा। मैं श्रीनिवासराव से बात चाहूंगा शायद भाषा को संविधान आजाद में चले जैसे कानून बनता जा रहा है बनता जा रहा है बनता जा रहा संविधान बनो 50 उम्र लिखे जो 60 लुगाई में मर्द में कोई फर्क बोलो लिखना लिखो लेकिन उन लिखारा ने पढ़े हूं उनने मतलब उन्हें इंग्लिश में कई झारखंड भाषा बहुत पुरानी छूट गई थे उन्होंने सब याद कर उन्हें इंप्लीमेंट कौन कर बाटा सब कर रहे थे नया नया ट्रस्ट बन जाते नए नए एसोसिएशन बन जाते क्या बन जाते बन रहे उनके बावजूद भी बड़ी बड़ी खुशी है
कि महिला अपने खुद की दम पर आगे बढ़ रही थी। और कई जगह आपने देखो ना कि लड़कियां लड़कों से बहुत आगे निकल रही। अभी श्रीवास्तव राव बैठे थे, ये रोज नए नए बच्चे को मजिस्ट्रेट में सिलेक्शन करे थे। दूसरे पूछ रहे हो अगर सिलेक्शन में 65% 66% लड़के आओगे लड़का पता नहीं रहा उसे। और लड़कियां तो ये बोले कि संस्कृत में बोलो नहीं, ये बोले को आपके राज्य में पुलिस समझ रहे समझ रहे थे और सारा समझ रहा होगा तो फिर लेकाई करना मानो फिर गुरु सुन लो समझ गए ना। तो ये बात सर खाने के लिए बात कर कि महिलाओं का अधिकार जो है तो अधिकार पूरा माने उन्हें मिल जाए। घर में वहां के साथ अन्याय हो रही है, बाहर की तरफ कभी तकलीफ हो रही है, बुरे ग्राम गाँव को भी तकलीफ हो रही है, बाप को करके रिजर्वेशन की खासतौर से मेरे तकलीफ है मैं नेता की तरफ से। ये बराबर की बात तो मेरे थे पहले अपने 30% दे देना दे गोल बोल देगा 4% भी बोल देगा तो उन्हें बात करनी चाहिए उस हिसाब से नहीं। मारे कमजोर जो की लड़ाई करनी इसके अलावा आप बहुत सारे अधिकार है जिनके बारे में बड़ा बड़ा न्यायाधीश बैठे थे बहुत बड़ा बड़ा बहुत फैसला देना चाहिए बहुत अच्छी बात राठा साहब नहीं एक डोमेस्टिक वायलेंस एक घरेलू हिंसा के बारे में आपने एक कानून बनाना चाहिए। अगर महिला ने कोई घरेलू हिंसा हो गए तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। कानून जरूर बने चाहिए, कानून बहुत अच्छे थे। हिंदुस्तान जितना भी कानून बने चाहिए बहुत अच्छा कानून बने चाहिए। मारो छूटा विदेश काम बने चाहे तो मैं देख रही कि महाराष्ट्र से दुनिया में कानून के मामले में जितना बढ़िया कानून महाभारत दुनिया में आपने देश में है उतने दुनिया किसी भी देश में नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहीं से कानून तो है वो इम्प्लीमेंट कानूनी कार्रवाई बहुत 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 कमजोर है। मैं श्रीवास्तव साहब खासतौर से क्योंकि मैं जेल में भी है हमारा जो जुडिशियल डोमेस्टिक वायलेंस है उस सिर्फ 6 मिनट में मुकदमो तय करना को बोलेंगे। लेकिन हमारा कोर्ट में श्रीवास्तव साहब आके टेन्यू बनी फ्रेंकली ऐसे कोर्ट में 7 मिनट का स्लिप पेंडिंग ऑन इनिशियल स्टेज प्लीज डू समथिंग फॉर दी ट्रिब्यूनल्स इट विल बी ग्रेट ऐसा मिले आप सोचिएगा सर बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं अभी भारत भी करता हूँ तो लोग आते हैं। एक महिला आपका पति से झगड़ो हो उन्हें डाइवोर्स डाइवोर्स समझे छुटकारा मदद को कर दिया ट्रायल कोर्ट में हार गो अपील में हार गो सुप्रीम कोर्ट में हार गो ऐसे भी खारी होगी रिव्यू भी खारी होगो ये कौन गए ये भी ले कौन गए दुखी हो और डोमेस्टिक राम राम सत्य जावली मुकदमा रह जाए। इस वजह से मैं अब वो बात दस कर शोभा मैं उनके लिए कहूंगा। राणा साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुझे अच्छा लगा कभी कभी आपसे मिलने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। मेरी लाइफ कोई भी ट्रस्ट पर काम हो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि आपने गांव लोग किए क्यों नहीं कि हमारे साथ जितने गाँव स्टूडेंट हैं जो 5 स्पोर्ट्स के बहुत ब्रिलियंट है लगना भी काम चाहते हैं हम लोग 3 साल भी पढ़े थे आप शायद 3 साल भी पढ़े हुए आप 5 साल के बच्चे हैं तो हम उनको क्यों नहीं यूटिलाइज करें। आप
आप एक विदेश को छोड़ते हुए आपका ट्रस्ट बहुत बड़ा ट्रस्ट है, फाइनेंशियल काम के सहयोग किए, क्योंकि हर काम में खर्चा नहीं हुई। हम मेरे घर गरीब आदमी अपने ट्रस्ट को पैर करता है, साइकिल भी नहीं रख सकता। भगवान की कृपा से, बाबा की कृपा से बहुत बड़ा ट्रस्ट है। जोर से बोलेंगे भारत माता की। आज के इस वैभवशाली कार्यक्रम में मेरे भाई तरफ सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान आज दहमी कलंक इस पावन धरा पर हम सौभाग्यशाली है, मेरी जनता वैभवशाली है कि आज इतने सम्माननीय और उच्च पद पर आसीन जिनको हम न्यायाधीश न्यायमूर्ति बोलते हैं वो आज हमारी इस पावन धरा पे बने। जस्टिस एस के कासोटे साहब, जस्टिस ए के गोर साहब और जस्टिस एम एम श्रीवास्तव साहब, साथ में एडवोकेट शोभा गुप्ता जी और मंच पर विराजमान सभी टीम, दैवी कला के यहाँ के प्राचार्य और इस स्थानीय विद्यालय के सम्मानित स्टाफ और आप सभी का और मेरे सामने विराजमान यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी और मेरे जो सामने विराजमान यहाँ की मातृशक्ति और मेरे युवा साथी, मैं सभी ग्राम पंचायत दहमी कला की ओर समस्त मातृशक्ति की ओर से ग्रामवासियों की ओर से आज आप सभी सम्मानित मंच पर विराजमान आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी यहाँ बधाए अपना कीमती समय निकाल के आपने हमें अनुग्रहित किया, आप सभी का हृदय से आभार। और साथ ही आज समय का अभाव है क्योंकि जो न्यायमूर्ति हमारे सामने विराजमान है इनके पास समय का अभाव रहता है, तो हम मैं आपका बहुत कम समय लूंगा। आज ये कार्यक्रम चल रहा है पिछले कई दिनों से जो है एडवोकेट शुभम जी, प्राची जी, साक्षी जी, जो शोभा जी की जो टीम है ये काफी समय से लगे हुए हैं इस प्रोग्राम में। ये कोई एक प्रोग्राम है इनका महिलाओं के सम्मान और सम्मानजनक स्थान पर सामाजिक जागरूकता। तो मैं मातृशक्ति को कहना चाहूंगा कि देखो ये भारतवर्ष की हमारे देश की बहुत बड़ी विनम्रता है कि जो महिलाओं को इस समाज में, इस समुदाय में, इस देश में जो सम्मान मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा, और उसकी कुछ न कुछ थोड़ी सी ये है कि जागरूकता की कमी है। पुरुष प्रधान समाज भी है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम महिला पुरुष अलग अलग नहीं बांट रहे, हम चाहते हैं कि महिला पुरुष प्रधान समाज बने, आप दोनों को सम्मान मिले, जितना पुरुषों को यह सम्मान मिल रहा है उतना ही महिलाओं को सम्मान मिले और आप दोनों कंधे से कंधे मिला के चले, महिला और पुरुष दोनों एक साथ कंधे से कंधे मिले समाज की मुख्य धारा से चले। तो इसके लिए अपन को ये करना है भाई, जो आपके जो अधिकार हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, आपके जो दायित्व हैं उनको आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जागरूक होना पड़ेगा। संविधान ने जो न्यायाधीश है उनका काम ही ये संविधान की पालना करना, अगर कहीं आपको आपके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो आपको यही दिलाते हैं बड़ा सम्मान का पद है ये अपने संविधान में, और इनका काम यही है संविधान की पालना, आपको जो अधिकार दिए संविधान ने, जो आपकी ड्यूटीज है उसकी पालना करना है। इसके लिए आपको भी मातृशक्ति को, प्यारे बच्चों को, मेरे युवा साथियों को, सभी ग्रामवासियों को मैं हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और आज यहाँ पे जो हमारे न्यायाधीश ने आपको बताया, आप उसको यहाँ से कुछ सीख लेके जाए, और मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब यहाँ पे कार्यक्रम हो, दोबारा कार्यक्रम हो, तो इसमें इनको बदलाव दिखना चाहिए, तभी इनकी और आपकी हम सबकी जो मेहनत है वो सफल होगी। आप जो है अपने जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं उनके प्रति आप जागरूक रहें और इस समाज की मुख्य धारा से जुड़े। महिला पुरुष कोई कुछ नहीं है, देखो पुरुष अगर आप चाहेंगे तो आप पुरुषों से बढ़िया काम कर सकती हैं, आगे निकल सकती है, पर अपन का ये है भाई संविधान अपन को समानता का अधिकार दे रखा है, तो महिला पुरुष एक सम्मान है अपने लिए, आप योग्य है। और मैं साथ ही एक बार पुनः जो माननीय न्यायाधीश यहाँ बधाए हैं सम्मानित मंच है उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के इस दहमी कला की तरफ आप पधारे, आपका हृदय से आभार, हम आपके आभारी रहेंगे। और साथ ही मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा
एडवोकेट शोभा जी, एडवोकेट शुभम जी, प्राची जी और साक्षी जी, इन्होंने काफी 5-7 दिन से काफी मेहनत कर रहे हैं और कब लगातार ये फील्ड में है। मेरे युवा साथी अर्जुन जी कुमार तो उन भी कई युवा साथी इनके साथ में है, तो उन सबको भी मैं हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने कार्यक्रम को आज करवाया। बहुत बहुत साहब, मेरे बड़े भाई किशोर साहब, भाभी जी मिसेस किशोर, राता साहब, शोभा जी और यहाँ पर पधारे हुए सभी गणमान व्यक्ति तथा विशेष रूप से जो हमारी माता बहनें और बच्चे जो इस गांव ढाणी के हैं यहाँ आए हैं, मैं उन सबको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया और सब आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला। मैं जेके रांका साहब का द्वारा जो ट्रस्ट चलाया जा रहा है, पहले उसके बारे में बात करूँगा कि सीनियर रांका साहब, एनएम रांका साहब जो जेके रांका साहब के पिताश्री थे, वो एक बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट और बहुत अच्छे इंसान जो हरदम समाज की सेवा करते थे। उन्होंने एक ट्रस्ट स्थापित किया और वो समय समय पर समाज में बदलाव लाने के लिए अपना योगदान देते थे तथा खुशी की बात ये है कि मेरे भाई जेके रांका साहब इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और आज के समय में जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या अपने परिवार के बारे में सोचते हैं उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, रांका ट्रस्ट द्वारा ये कार्य करना एक बहुत महत्वपूर्ण है तथा ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये लोग गांव में जाके समझते हैं कि गांव वाले जो हमारे बराबर के सब उनके अधिकार बराबर हैं, उनको अगर मान लीजिए किसी चीज़ की कमी है, उनको कोई जानकारी नहीं है, तो उसको ट्रस्ट द्वारा दी जाए। इसलिए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ जेके साहब का कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया तथा शोभा जी जो हमारे साथी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, वो एक बहुत सफल वकील हैं तथा वो अपना समय निकालकर इस तरीके के कार्यक्रम में भाग लेती हैं तथा जनता को ये संदेश देती हैं कि महिलाओं को क्या क्या लाभ अपने संविधान में दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार हैं, वो इस बारे में निश्चित रूप से जागरूकता लाती है। ये एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है। अब जहाँ तक बात रही कि हमारी महिलाओं और बहनों को क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उनके बारे में सोचा जा सकता है, क्या क्या कमियां पाई गई हैं पिछले सालों में, मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा मेरी माताओं बहनों से कि वो शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। अगर पढ़ाई नहीं हुई, आप लोगों की पढ़ाई नहीं हुई, आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, तो आपके लिए पूरे संसार का परिदृश्य बिल्कुल दूसरा रहेगा। मैं सबसे पहले मेरी विशेष प्रार्थना है कि जितनी भी हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं, हमारे छोटे बच्चे हैं कि जो बच्चे 14 साल तक हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को पढ़ाएगी। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाएगी तो आप किसी भी जगह जाके अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। आप किसी की दया या किसी भीख के पात्र नहीं है, ये आपका अधिकार है। कोई भी महिला, कोई भी बहन खड़ी होके अपने समाज में ये मांग कर सकती है कि मेरे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। अगर कोई भी स्कूल उनको शिक्षा को मना करता है या उनके बच्चों को दाखिला नहीं देता है, तो उनका ये अधिकार है कि वो बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों से ये बात कहूँगा कि अगर आपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी शिक्षा के बारे में ध्यान रखा, पूरे समाज का परिदृश्य बदल जाएगा। मैं ये एक अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मैंने, जैसे रांका साहब ने कहा कि मैं भी एक छोटे से कस्बे से हूँ जहाँ मैंने बचपन में पढ़ाई की है 8वीं क्लास तक, और वहाँ हमारे समय में 9वीं तक का स्कूल नहीं था जो मुझे दूसरी जगह दूसरे गांव में जाना पड़ा। पर मैं आज भी जब गांव जाता हूँ तब देखता हूँ बदलाव आया है, लेकिन जो हमारी माता जी की उम्र की महिलाएँ हैं या हमारी जो दादी की उम्र की महिलाएँ हैं, वो आज भी अपने बच्चों को ये निश्चित रूप से नहीं कह पा रहे हैं कि बच्चों
बिल्कुल तुमको शिक्षा पानी है, आगे बढ़ना है। मैं उन सभी माताओं से ये निवेदन करूंगा कि आप ये अपना अधिकार समझें कि हमारे बच्चे पूरी शिक्षा पाएंगे। और मैं आगे आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि महिलाओं के शिक्षा पाने से कितना बदलाव आया है। आप ये सोचिए कि आज कोई भी परीक्षा होती है, जैसे मेरे बड़े भाई किशोर साहब ने कहा कि हमारे जो न्यायिक सेवा में जो लोग आते हैं उसमें हमारे पिछले सर्वेक्षण में 173 में से करीब 115 महिलाएं न्यायिक मजिस्ट्रेट बनी है। ये बड़े गर्व की बात है। ये एक हमारे समाज का एक परिप्रेक्ष्य, ये एक रूप दिखाता है कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें कितनी मेहनत करती हैं, कितनी एकाग्रता से पढ़ती हैं। इसलिए आप ये समाचार, आप लोगों को आजकल आपके बच्चे पढ़ते हैं, वो आपको अखबार से बता सकते हैं, आप लोग टीवी भी देखते हैं, गाँव में टीवी है, आप कृपा देखिए, आप महसूस कीजिए कि आपके साथ में जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो युवा बच्ची हैं, वो कितना काम कर रही हैं, कितनी एकाग्रता से पढ़ रही हैं। दूसरी बात आप देखिए, पहले ये एक समझ होती थी कि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। आप लोग सिर्फ गाँव में खेतों में काम करने के लिए नहीं बने हैं, आप सिर्फ घर में रोटी बनाने के लिए नहीं बने हैं। आप लोगों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जो सबके साथ होता है। आप देखिए, थोड़े दिन पहले एक हवाई जहाज जिसमें सारी की सारी जो प्लेन उड़ाने वाली जो थी वो पायलट, को पायलट वो महिलाएं थी, जो अंदर परिचिकाएं होती हैं जिनको एरोस्टेस कहते हैं, वो सारी महिलाएं थी। आप इस बात को गर्व महसूस कीजिए कि कितनी महिलाएं आगे बढ़ गई हैं। आप सोचिए, कल्पना चावला नाम की महिला जो हमारे भारत की अमेरिका में रह के उसने जो नाम कमाया है, जो वो स्पेस में जाके वो उसने सबसे पहले वो महिला बनी भारत की जो उनके ऊपर गई वहां स्पेस में, और वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि वो एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारी नहीं बच पाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्पना चावला ने वो उड़ान भरी है जो सभी महिलाओं, सभी लड़कियों, युवा बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकती हैं। आप लोग इस बात को गांव में रहकर भी महसूस कीजिए कि कहां तक उन्नति हो चुकी है। अब आप देखिए, जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें सबसे ज्यादा महिलाएं या लड़कियां ही सेलेक्ट होती हैं। जो आईएएस की परीक्षा होती है, जो भारत में सबसे अच्छी सर्विस गवर्नमेंट की मानी जाती है, उसमें जब भी कभी टॉप में या सबसे ऊपर आता है वो लड़के आते हैं। कि आप अपने बच्चों को, सबको ये शिक्षा दीजिए कि अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वो अच्छे तरीके से आपकी देखभाल करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे दूसरी बात करूंगा, जो गांव में जो सब महिलाएं, जो हमारी बहनें समय समय पर समस्याएं देखती हैं कि उनके साथ कोई अपराध होता है, उनके साथ कोई गलत बात होती है, ऐसी महिलाएं, ऐसी बहनें, हमारी 100 में से 90% महिलाएं शर्म की वजह से अत्याचार सहती हैं और वो ना अपने परिवार को बताती हैं, ना अपने रिश्तेदारों को बताती हैं, ना अपने बच्चों को बताती हैं। अगर महिलाओं या बहनों को कोई भी ऐसा काम लगे कि उनके साथ गलत हुआ है तो वो उनका अधिकार है, वो अपनी आवाज उठाएं। मैं यहाँ किसी तरीके से पुरुष की इज्जत के कम करने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, गलत काम हुआ है, ये आपका अधिकार है कि आप उसकी सूचना दें। आप उसकी सूचना पुलिस में दें। पुलिस में अगर मान लीजिए आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं जो जिला के पूरे, जिनको पुलिस की पावर होती है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको करें, मजिस्ट्रेट का शिकायत करें। लेकिन आप कृपया करके अपने अधिकारों को पहचानें। अगर आपके साथ गलत हुआ है आप उसको बर्दाश्त ना करें। फिर मैं आपसे तीसरी बात निवेदन करूंगा कि जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको कृपया छोड़िए। ये घूंघट, ये पल्लू, ये सब तरह की जो पुरानी जिसे कहना चाहिए कुंपतियां हैं, जिनको आप छोड़िए। आप घूंघट के बिना भी अपने ससुर की, अपने पति की, अपने जेठ की इज्जत कर सकती है। कोई अगर आदमी घूंघट निकाल के या कोई महिला घूंघट निकाल के
अगर अपने जेठ को गाली फके या अपने ससुर को गाली फके इज्जत नहीं होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अच्छी बातें सीखें, इज्जत करें, लेकिन जो पुरानी रीतियां चली आ रही हैं, जिनका कोई कोई मतलब नहीं है, उनको आप छोड़ें, आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब आप देखिए सरकार ने आपके लिए कितनी योजनाएं लाई हैं, आप आगे आए उनका फायदा उठाएं। अब जब चुनाव होते हैं वहां पर राजस्थान में हमारे आधी सीट जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी हुई है, आरक्षित की रखी गई है। अगर हमारी महिलाएं बहनें अगर वो सदस्य बनती हैं, सरपंच बनती हैं, प्रधान बनती हैं, जिला प्रमुख बनती हैं, अपने अधिकार का प्रयोग करें, अपनी शक्ति का प्रयोग करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हमारे सबके सामने आती है कि महिलाएं सरपंच नहीं, उनके पति सरपंच होते हैं, महिलाएं प्रधान नहीं, उनके पति प्रधान होते हैं, वो जाके वहां काम करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी महिला अगर कोई पार्षद बनती है, पंच बनती है, जिला प्रमुख बनती है, आप अपने अधिकारों को पहचाने, आप अपने अपने कर्तव्यों को पालना करवाने के लिए अफसरों को कहें कि आपकी सबकी शक्ति है, आपका ये सबका संबल है कि आप अपने अधिकारों को, आप जितने भी अधिकारी हैं उनसे सबसे उसको पालना कराएं। फिर मैं आपके सबके बारे में एक बात ये सोचता हूँ कि जैसे गाँव में पहले ये जो पुरानी परंपरा थी कि चूल्हे पे खाना बनता है, सरकार ने एक पूरी स्कीम लगाई है कि एलपीजी कनेक्शन हर गांव में दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की योजना है। आप इन सब योजनाओं का फायदा उठाइए, ये आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए बनी है। पानी की समस्या है, पर आप भी अभी भी लोग वहां खेतों से जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पानी ला रहे हैं, सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई है। आप अपने सरपंच से कहिए, आप अपने प्रधान से कहिए, आप अपने जिला प्रमुख से कहिए कि हमारी ये जो योजना है हमारे लिए लागू कीजिए। ये सिर्फ आदमियों के लिए नहीं बनी है, ये महिलाओं के लिए बनी है। आपका समय सिर्फ चूल्हे चाकी में या पानी में निकल जाएगा, आप कितना ध्यान दे पाएंगे बच्चों के लिए? तो कृपा पहचानिए, आप लोग किसी से कम नहीं है। आप देखिए जहां तक महिलाओं के अधिकारों का सवाल है, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, पुरुष कितने ही प्रयास करें वो संभव नहीं हो पाएंगे। मैं पुरुषों से भी ये निवेदन करूंगा कि ये आप भावना छोड़ें कि ये सारे जो अधिकार हैं सिर्फ कागजों में या न्यायालय के द्वारा ही वो उनकी पालना कराई जाएगी। ये सब सब मेल मेंबर्स की या जितने भी आदमी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर में माता बहन और सबकी इज्जत करें, और उनको उसी तरीके से इज्जत करें जिस तरीके से वो बाहर जाकर लोगों की इज्जत करते हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि आपकी जो भी आवश्यकता है वो सब सरकार की जिम्मेदारी है, हम न्यायालय की जिम्मेदारी है वो पूरी करें, पर आप लोगों को अपने उस दायरे से बाहर आना पड़ेगा। हमारा कभी ये उद्देश्य नहीं रहा हमारे भारतीय समाज में, हमारी संस्कृति में, कि हम बड़ों का सत्कार ना करें, बड़ों की इज्जत ना करें। मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करूंगा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, आपके बच्चों को आप अच्छे संस्कार देना आपकी जिम्मेदारी है। आज की तारीख में बच्चों को सिर्फ स्कूल भेज देना वहां के भरोसे छोड़ने से बच्चे अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, बच्चे अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे हमारा समाज अच्छा नहीं होगा। जो बच्चा घर के बाहर अगर किसी की इज्जत नहीं करेगा, कल आने वाले समय में वो अपने माँ बाप की इज्जत भी नहीं करेगा। आप उनको संस्कार दीजिए, आप उनको अच्छी पुरानी कहानियां सुनाइए। गाँव में पहले मुझे अभी भी याद है जो दादी या अम्मा होती थी वो शाम को बैठ के बच्चों को पुरानी कहानी सुनाया करती थी और बच्चे उसको ध्यान से सुनते थे। आज की तारीख में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर माताएं अपने मोबाइल में बिजी हैं, ये गलत है। ये हम आगे वाले आने वाले समय में आप महसूस नहीं कर रहे हैं, आज से 20 साल बाद 25 साल बाद आप महसूस करेंगे कि हमारे बच्चे हमारे कहे में नहीं है, हमारी बात नहीं मानते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको अच्छा नागरिक बनाइए, और जो भी आपकी समस्या है आज की तारीख में सबकी जिम्मेदारी है वो दूर होगी। और जिस तरीके से मणिपुरा यूनिवर्सिटी जो आपके बहुत पास है, बिहारी कॉलेज जो भी आपके यहाँ पे अपने बच्चों को यहाँ भेज के आप लोगों की मदद कर रहा है, उसका फायदा उठाइए, अपने अपने अधिकारों के बारे में जानिए। हम सब लोग आपके साथ हैं, हम सब लोग आपसे जुड़े हुए हैं, शहर में और गाँव में कोई फर्क नहीं है। और ये सोचने की बात भी नहीं है कि शहर के लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या शहर के लोगों ने ज्यादा उन्नति की है। जितना भगवान ने दिमाग दिया है सबको दिया है, उसका उपयोग करने की बात है, उसका प्रयोग करने की बात है। आप लोग अगर ईश्वर को ध्यान रखेंगे, जो भी जिस ईश्वर को मानना है,
प्रार्थना कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए और अच्छी तरीके से उनको नागरिक बनाइए, पूरा जीवन सबका अच्छा बनेगा। हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि इस गांव में जो भी शिक्षा का माहौल राका ट्रस्ट साहब ने बनाया है उसको आप पूरा सदुपयोग करें, और आपको जो भी समस्या है आपके सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं और जितने भी यहाँ के लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो सब आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। पर कृपया करके अपने जीवन की शैली बदलिए, बच्चों को ध्यान दीजिए, अच्छा परिवार बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए। धन्यवाद। राजस्थान इलाहाबाद और गुजरात उच्च न्यायालय के निवृत्तमान न्यायाधीश माननीय श्री किशोर साहब, मेरे भ्राता न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री अशोक गौर साहब, वी दी विमेन ऑफ इंडिया की फाउंडर एडवोकेट शोभा गुप्ता जी, मणिपाल यूनिवर्सिटी के विधि विभाग के शिक्षाविद अधिवक्ता महोदय, और इस उद्घाटन सत्र, दो दिवसीय उद्घाटन सत्र में उपस्थित मेरी सारी माताएं और बहनें, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। इस कार्यक्रम में उपस्थित पीजी के छात्र, अन्य विषयों में अध्ययनरत मणिपाल और ज्ञानी कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं, पालक एवं बालिकाएं, मैं सबसे पहले जो आयोजकगण हैं उनको मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर गांव में मेरी अपनी माताओं और बहनों से संवाद स्थापित करने, सीधा संवाद स्थापित करने का मौका दिया। और मेरे न्यायाधीश के रूप में पिछले 12-13 वर्षों में ऐसे मौके मुझे बहुत ही कम मिले हैं, एक या दो बार ही। उनमें से एक ये है जब मैं जयपुर से निकट गांव के रहवासी मेरी महिला माताएं और बहनें हैं उनसे मैं सीधा संवाद कर सकूं, और ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये दो दिवसीय जो कार्यशाला आपके विलेज में, आपके गांव में जो की जा रही है, इसको करने वाले तीन संस्थाएं हैं। एक जो वीमेन ऑफ इंडिया नाम की जो संस्था है, वो एक संस्था है जिसमें एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, समाज के एक और अग्रणी स्थान पर स्थित महिलाएं हैं। दूसरी एक संस्था है राका चैरिटेबल ट्रस्ट, एक धर्मादा ट्रस्ट है
जो समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। तीसरी संस्था जो है वो एक शैक्षणिक संस्थान है मणिपाल यूनिवर्सिटी, जो आपके क्षेत्र में ही एक स्थित यूनिवर्सिटी है, उसमें उच्च शिक्षा प्रदान करती है। इन तीनों का प्रयास आपके विलेज में, आपके गांव में जिस विषय को लेकर किया जा रहा है कार्यशाला और दो दिनों तक यह आपके साथ रहेंगे, वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और सामयिक विषय है जिस पर यह कार्यशाला हो रही है। वह है महिलाओं के लिए समान और सम्मानजनक स्थान पर सामाजिक जागरूकता का अभियान। जैसे ही मुझे राका साहब ने फोन किया और कहा कि हम इस विषय पर एक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं जिसमें आपको आना होगा, उनका राका साहब मेरे वरिष्ठ हैं, उनके द्वारा जो भी आग्रह होता है मैं तो उसे आदेश के रूप में लेता हूं, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या कार्यक्रम है। मुझे लगा कि शायद शहर के अंदर कहीं पर कोई बड़े ऑडिटोरियम में, सिर्फ जहां पर कुछ वकील हो, स्टूडेंट छात्र हो, जज हो, बस उन्हीं के बीच में कोई संवाद होगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हमारा सीधा संवाद गांव से है। हम सीधे गांव में जाएंगे, वहां पर अपनी माताओं और बहनों और गांव में रहने वाले जो लोग हैं, पुरुष महिला बच्चे जो भी हैं, उनसे हम सीधा संवाद करेंगे। तो मुझे लगा कि जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को अपने अधिकारों के लिए बताने के लिए इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। मेरा मानना है चूंकि कार्यक्रम को करने में कुछ समस्याएं होती हैं, उतनी सुविधाएं दूर गांव में नहीं रहती, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि इससे अच्छा तरीका सीधा संवाद करने का और कोई नहीं हो सकता कि हम और आप एक साथ एक छत के नीचे खड़े हैं। तो माताएं और बहनें जो मेरे साथ आज यहाँ पर बैठी हैं और इधर मेरे तरफ दाहिने तरफ जो पूर्व के न्यायाधीश हैं, वर्तमान न्यायाधीश हैं, शिक्षाविद हैं, अधिवक्ता हैं, ये दोनों आज यहाँ पर बैठे हैं क्यों? ऐसी क्या बात है? क्यों है कि दिल्ली से एक एडवोकेट मैडम है, वो अपनी संस्था के साथ आपके गांव में आई हुई है? ऐसी क्या बात है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट के जो कार्यकर्ता हैं, एक निवृत्तमान न्यायाधीश हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो आज आपके बीच यहाँ पे स्वयं पहुंचे हैं? क्या बात है कि हमारे एक उच्च न्यायालय के निवृत्तमान न्यायाधीश किशोर साहब, जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, वो भी आपके सामने आज आने को तैयार हो गए? राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में मैं स्वयं हूँ, बहुत साहब हूँ, हम सब आपके सपंच में, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये लगा कि ये विषय बहुत ही गंभीर है, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है? आप सब विवेकानंद को जानते हैं, हमारे देश के बड़े समाज सुधारक, विचारक, प्रकांड विद्वान। आप सब देश के राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी को जानते हैं, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान दिया। आप सब राजा राममोहन राय को भी जानते हैं, जिन्होंने स्कूल में शिक्षा प्राप्त की होगी, वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उसके बाद ऐसे सारे समाज सुधारक न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व में भी आए हुए हैं। विश्व में भी बड़े बड़े समाज सुधारक, राजनीतिक, शिक्षाविद, ये सभी एक बात कहते थे, और ये बात सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है, कि समाज को आधुनिक अगर बनाना है, समाज को अगर ऊंचाइयों तक ले जाना है, मानवता को इसकी ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो हर समाज में महिलाओं को पुरुष के बराबर, पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान देना होगा। जब तक
महिलाओं को उनको पुरुष के समान अधिकार और सम्मान उनकी अपनी जगह नहीं मिलेगी तब तक वो समाज का विकास अधूरा है। सिर्फ 50% है क्योंकि महिलाएं 50% है लगभग। तो अगर महिला और पुरुष 50-50% हैं समाज में लगभग, हमारे देश में जो आखिरी जो सेंसस हुआ था उस आखिरी सेंसस में महिलाओं की संख्या लगभग 1000 पुरुषों पर 933 महिलाओं का बताया गया था, जो निश्चित रूप से आगे आ चुका है। तो जब लगभग 50% महिलाएं हैं तो समाज की सारी गतिविधियों पर, सारे रिसोर्सेस पर, विकास की सारी अवधारणाओं पर महिलाओं का बराबर अधिकार क्यों न हो। तो इस विषय की महत्वपूर्ण जो बात यह है जिसकी वजह से ये सब लोग आपके सामने यहाँ पर रूबरू उपस्थित हुए हैं, मैं स्वयं आया हूँ, वो यही बात आप सब लोग से कहने आया हूँ कि इसको आप बिल्कुल मन में आत्मविश्वास के साथ रखें कि ये समाज जो है आज की तारीख में, इस समाज में महिला और पुरुष की स्थिति एकदम बराबर की रहनी चाहिए। और इसको आप सब जानते हैं, मैं भी ऐसे परिवार से आया हूँ, मैं कोई सीधे दिल्ली बंबई से तो नहीं रहा, जैसे मेरे भ्राता न्यायाधीश गण है वैसी मैं भी छोटी जगह से ही मैंने रहना शुरू किया, वहाँ से छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ाई किया। मेरे पिताजी एक छत्तीसगढ़ के एक बड़े दूर स्थान पर कॉलेज में प्राचार्य थे, तो वहाँ पर एक ट्राइबल स्कूल था, आदिवासी स्कूल, वो चाहते तो मुझे कहीं शहर में ले जाकर पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं ट्राइबल स्कूल में, ट्राइबल संस्था, ट्राइबल एरिया में किसी कॉलेज में प्राचार्य हूँ महाविद्यालय में, तो मेरा बेटा भी ट्राइबल स्कूल में ही पढ़ेगा। तो मैंने भी अपनी प्राथमिक शिक्षा एक ट्राइबल स्कूल में ही किया है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आज की तारीख में समाज में आप देखेंगे कि महिलाओं ने जो विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, शायद ही कोई ऐसी पोजीशन होगी जहां पर देश की महिलाएं ना पहुंची हों, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारीगण हों, चाहे बड़े राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो न्यायाधीश हों, वो कुछ भी हो, आप देखिएगा कि हर जगह महिलाएं उच्चतम स्थान पर पहुंच चुकी हैं। आज की तारीख में हमारी देश की सेनाओं में महिलाएं हैं, फाइटर पायलट हमारी महिलाएं हैं, वो कैसे पहुंची वहां। मैं आप लोग से बस यही बात कहने के लिए यहां पर आया हूं कि आप लोग ये सोचें कि आपके बीच की महिलाएं ऐसी जगह पे कैसे पहुंची हैं जिनका आज के समय समाज में उनका स्थान, उनका सम्मान पुरुषों से कम नहीं है, वो कैसे वहां तक पहुंची। और जैसा मेरे भ्राता अशोक गौड़ साहब ने बताया, उससे मैं पूर्ण सहमत हूं कि सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा वो कुंजी है जिससे महिलाएं समाज में समानता और सम्मान पा सकती हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में इसी भावना को रखते हुए बहुत सारे अभियान सरकार द्वारा चलाए गए, जो बुजुर्ग थे, जो स्कूलों में एडमिशन प्राप्त करके जो एक औपचारिक शिक्षा नहीं ले सकते थे, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता मिशन चलाया गया, और संविधान हमारे देश का जो है, जो हम जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश, हम जब अंग्रेजों के राज से मुक्त हुए, तो हमने जो अपना संविधान बनाया उसमें ये कहा कि 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना उसका संवैधानिक अधिकार है, और जो संवैधानिक अधिकार है वो शासन का कर्तव्य है। तो आप समझिए इसको इतना महत्व क्यों दिया गया, क्यों, क्योंकि हम समझते हैं कि शिक्षा इसका मूलभूत अधिकार है। तो मेरा आज आपके सारे माताओं से, बहनों से बहुत करबद्ध निवेदन है कि अपने बाल बच्चों को आप भरपूर शिक्षा दें।
ऐसे बहुत सारे आपको मालूम है कानून बने हुए हैं जिसके अंतर्गत घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को उपचार है। आपको शायद, मैं नहीं कह सकता कि आपको ये मालूम हो कि महिलाओं को आप जो जो दहेज होती है वो कानूनन अपराध है, वो नहीं किया जा सकता। ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि बाल विवाह प्रतिषेध है, बाल विवाह अपराध है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे संविधान में भी बने हुए हैं प्रावधान और ऐसे इतने सैकड़ों की संख्या में कानून बनाया है केंद्र सरकार ने, राज्य पार्लियामेंट ने और राज्य में हमारे विधायकों ने भी। लेकिन इन सब कानूनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक आप इन सब की जानकारी नहीं लेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके अधिकार क्या है। और जब आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अधिकार क्या है उन अधिकारों के लिए आप कैसे लड़ाई करेंगे, आपको मालूम ही नहीं है ये बात। आप निश्चित रूप से महिला आज के हमारे देश के परिवेश में उस परिवार का की धुरी होती है, लेकिन परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारियों का, दायित्व का निर्वहन करते हुए ही वो समाज का भी एक महत्वपूर्ण अंग बन सकती है। आप देखिए कि आपके सारे चुनाव होते हैं पंचायत म्युनिसिपैलिटी में, उसमें भी महिलाओं को रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया है। सरकारी नौकरी है उसमें 30% का आरक्षण तो वर्तमान में है। न्यायमूर्ति केशोट ने कहा कि इसको और बढ़ाना चाहिए, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन वर्तमान में तो सारी सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण क्यों है? इसलिए कि हमारे देश के संविधान और कानून की ये मंशा है कि महिलाएं हर चीज में पुरुषों से कंधा मिलाकर चले, वो अपना पारिवारिक दायित्व तो निभाएंगी, उसके साथ ही समाज के प्रति अपना दायित्व तो निभाए, समाज में एक स्थान प्राप्त करें, वो स्थान उनका बराबरी का स्थान हो। इसलिए जैसा अभी मेरे न्यायाधीश ने बताया कि हमारे यहाँ पर जो न्यायाधीश जो नए होते हैं उसमें 65% तो लड़कियां हैं। हमारे आज के दायरे में जो नए हमारे जो न्यायाधीश हैं उसमें अधिकतर महिलाएं हैं। क्यों है ऐसा? क्यों? क्यों उनके घर वालों ने उनको बचपन से बहुत अच्छी शिक्षा दी, शिक्षा को लेकर गंभीर थे उनके परिवार वाले, उनको उच्च शिक्षा दी, उनको फिर विधि की शिक्षा दिया और उसके बाद उन्होंने प्रतियोगिता में आकर अपना जो अपनी मेरिट उन्होंने बताया कि हम भी लायक हैं, हम भी काबिल हैं और फिर हाईकोर्ट द्वारा उनको सिविल जज के रूप में नियुक्त किया गया। आज तक आपके यहाँ भी सांगरार में भी महिला हो सकता है कोई महिला जज भी हो, महिला चिकित्सक हैं, महिला शिक्षा वाले हैं। तो आप ये समझिए कि समानता और महिलाओं को जो आप सम्मान देना चाहते हैं, जो संविधान हमारा चाहता है, हमारे देश कानून चाहता है, वो तभी मिलेगा जब महिलाओं को, पुरुष को, सभी को इस बात की जागरूकता हो कि ये जो हम जो कह रहे हैं ये बात कोई हमारा सिर्फ हमारी एक इच्छा, हमारी सिर्फ समीक्षा नहीं है। ये इसलिए है कि हमारा देश का संविधान यह कहता है, ये इसलिए कि हमारे देश में सैकड़ों की संख्या में जो कानून है वो ये कहते हैं, वो इसलिए कि पूरा विश्व समाज ये कहता है कि पुरुष और महिला हर चीज में बराबर के अधिकारी हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इनकी कार्यशाला है जिसका उद्घाटन सत्र किया और मेरे को यहाँ बुलाया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद दूंगा। मैं अपनी सारी महिलाओं और माताओं से, सही माताएं बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए, अपने परिवार के दायित्वों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप पाएंगे कि जो लोग बड़ी ऊंचे पद पे हैं आजकल, जो जजेस हैं, पायलट हैं, सरकारी में कलेक्टर हैं, एसपी हैं, वो भी उनके घर में, उनके परिवार में, उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, वो अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। तो ये जो एक पुरानी जो अवधारणा है कि नहीं, चूंकि महिलाओं को घर संभालना है इसलिए बाहर का कुछ नहीं कर सकते, उनको बाहर कुछ नहीं करना चाहिए, ये अब पूर्णतया समाप्त हो चुका है। आपके गांव में अगर ये बात नहीं पहुंची है तो आप समझिए आज ये बात यहाँ पर पहुंच गई। इस जागरूकता कार्यक्रम में मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं वर्तमान में संयोग से राजस्थान राज्य की विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका मैं कार्यपालिक अध्यक्ष हूँ और विधिक सेवा का काम होता है कि समाज में सभी के न्याय दिलाने में उनकी सहायता करना। हमारे विधिक सेवा
जो कार्यक्रम है उसमें जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश होते हैं उनके साथ भी हम लोग बहुत चर्चा करते हैं। हमारे पास ऐसी योजनाएं हैं और विधिक सेवा जो है, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि विधिक सेवा जो है महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है। हमारे पास राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है जो जयपुर में हाईकोर्ट जहाँ पर है वहां पर है, उसके बाद हर एक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, फिर जो तालुका है उसमें एक तालुका विधिक सेवा समिति होती है। आपके यहाँ सांगनेर में भी हमारा एक अधिकारी है जो विधिक सेवा में इंचार्ज है, ये आपको विधिक सेवा देंगे। किसी भी महिला, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्त्री को अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको उनके संवैधानिक अधिकार कानूनी अधिकार का हनन हो रहा है, उनके साथ किसी किस्म की गलत चीज होती है, हिंसा होती है, उनको उनके शिक्षा उनके अधिकार से अगर वंचित किया जाता है, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप सब तत्काल हमारे तालुका विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा कार्यालय जो है जयपुर में या जो हाईकोर्ट के अंतर्गत जो विधिक सेवा प्राधिकरण है पूरे राज्य के लिए, वहाँ कहीं भी आप तत्काल पहुँच सकते हैं। कोई कागज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पहुँचिए, अपनी तकलीफ बताइए, अपनी समस्याएं बताइए, हमारे अधिकारी आपसे बात करके आपके जो भी अधिकार हैं उसको आपको दिलाने का प्रयास करेंगे और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो इस मंच के माध्यम से मैं राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालिक अध्यक्ष की हैसियत से भी मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आपको न्याय दिलाने के लिए हम आपके साथ हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है आप हमारे कार्यालय में आए, मैं मिलूंगा, मेरे अधिकारी आपसे मिलेंगे और आपको न्याय दिलाने में हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं इसके आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को यहां पर मौका दिया और मेरी सारी माताओं बहनों जो इतनी देर से इतनी गर्मी में यहां हम सबको सुनने के लिए बैठे हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और कभी भी हम आपके काम आ सकें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे माननीय न्यायाधीश जस्टिस एम एम श्रीवास्तव का और साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे जस्टिस जे के रावा, जस्टिस एस के केशव। Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Sir, देखिए इसे. जीतो. Hmm.